लेट्स गो एवरीवन। तो हम इस टनल में निकलकर कोई बंद रूम में आ गए हैं। तो इस रूम की वॉल पर हमें एक नोट दिखाई दे रहा है, तो हम इस नोट को पढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है कि जो प्रिंसिपल की जानकारी के बारे में लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये बच्चों को पकड़कर डेविल को दे देता है। तो ये सारे नोट हमारे फ्रेंड ने लिखे हैं। तो चलो चलते हैं, आगे चलते हैं, हमको क्या मिलता है। तो हमें एक टास्क दिख रहा है कुछ, तो इसने हमें फाइंड द स्टोर रूम की। तो सबसे पहले हमें स्टोर रूम की को ढूंढना है। तो हम चलो स्टोर रूम में चलते हैं। तो ये तो हमें इतना तो समझ आ गया कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कई टास्क करने होंगे। तो चलो एवरीवन, चलो देखते हैं स्टोर रूम कहाँ है। स्टोर रूम इधर की तरफ है। ये स्टाफ रूम, ये की हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो चलो इस की को, स्टोर रूम की को हम खोलते हैं। तो चलो आगे देखते हैं स्टोर रूम कहाँ है। तो स्टोर रूम को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्टोर रूम, की के साथ हम स्टोर रूम को खोलते हैं। यहाँ पर हमें ग्राइंडर है। तो इस चौक नहीं मिली है हमें, चौक को ढूंढने जाना है पहले, सबसे पहले। तो सभी डोर लॉक्ड है। तो इस रूम में हम फिर वहीं आ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो चलो ये कौन सा रूम है, ओपन। तो यहाँ हम आ गए हैं, बेंच। वैसे यहाँ पर अंधेरा बहुत है, वैसे बहुत बड़ा स्कूल है ये, पर कई जगहों पर लाइटें है। मेंटेनेंस रूम, तो ये कैप है, कोई कैप लाइट। ओ, इस कैप में लाइट लगी हुई है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये चॉक बॉक्स भी हमें मिल गया है। तो हम स्टोर रूम में जाते हैं। अब स्टोर रूम में जाने के बाद वो जो ग्राइंडर पड़ा था उसमें हम चॉक को मिक्स करेंगे, कुछ ऐसा देखना है हमें। तो इस ग्राइंडर में हमें चॉक को मिक्स करना है। तो ये कुछ मिक्स हो रहा है। ओ, इसकी पैरों की आ रहा है प्रिंसिपल। तो ये चॉक को ले लिया है, कोई काम आएंगी हमारे को ये चॉक। तो ये आ गया, चलो हम सकते हैं। तो देखते हैं, वैसे इतना बड़ा स्कूल का इसने करा क्या है। तो हमने अब दूसरा टास्क है, ओपन स्टोर रूम एंड मेक चॉक पाउडर, जो हमने कर दिया है। दूसरा अब थर्ड है, फाइंड मेल टॉयलेट रूम। तो कोई मेल टॉयलेट रूम में हमें जाना है। देखते हैं वो नीचे की तरफ होगा या तो, क्योंकि सारे स्कूलों में टॉयलेट तो नीचे की तरफ ही होते हैं। दोबारा हम ग्राइंडर में से चौक को लेते हैं। पहले सबसे पहले हमको मेल टॉयलेट को ढूंढना होगा। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर है हम। लाइट, इसकी पैरों की आवाज सुनाई दे रही है हमें, ये तो ऊपर ही आ रहा है। चलो देखते हैं फटाफट से, अब हम इसे चकमा भी नहीं दे सकते। ये बेंच रखी हुई है, लास्ट रूम है, कोई क्या पता हमारे पीछे ना आ जाए। देखते हैं क्या होता है, शायद तक यहीं पर है, बाहर जाके देखते हैं। ये तो यहीं पर है, चुपचाप हम खड़े रहते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें यहाँ है। वैसे प्रिंसिपल डेविल की तरह है, इसने पूरे प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल में लाइटें बंद कर रखी है। ये तो भूतों की तरह रहता है, भूतों की तरह। तो चलो देखते हैं, नीचे गया है कि ऊपर की तरफ है। तो हमें मेल बाथरूम को ढूंढना है। तो उसमें शायद तक हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, यहीं पर है। इसे पता चल जाता है कि हम यहीं डोल रहे हैं। तो बार 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 पीछे, इसको तो चकमा ही देना पड़ेगा। इसने सारे ग्रेनी की तरह ये लगा रखे हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहा है प्रिंसिपल। इसने सारे दोस्तों को किडनैप करके रखा है। तो ये किधर की साइड है पता नहीं चल रहा, हमें जल्दी से जाना होगा। नीचे चल के देखते हैं ये किधर की साइड है। नीचे चलते हैं, तो नीचे की तरफ हमें जाना है। क्या हो गया, तो हमारे पास
थ्री लाइफ है जिसमें से हमको बहुत खतरा मिलेगा अगर हम थ्री लाइफ में से अगर एक भी लाइफ को गवा देते हैं तो अब हमको बहुत अच्छे से खेलना होगा, नहीं तो गेम पूरा ओवर हो जाएगा। हम पहले ग्राइंडर में, मिक्स ग्राइंडर में चौक ले लेते हैं जिससे कि थ्रो कर सकें हम प्रिंसिपल के ऊपर। तो हम ये मेल बाथरूम मिल गया है हमें, इसमें हमें क्या लेना है, इसमें हमें क्या चीज है, ये कुछ है यहाँ पर रखा हुआ है, लॉक पिन है, कोई लॉक पिन, पिक लॉक पिन एंड ओपन मैथ क्लासरूम। तो हमें मैथ क्लासरूम में जाना है, उस लॉक पिन को उसमें देखना है क्या करते हैं उसमें जाकर। तो चलो मैथ क्लासरूम में जाते हैं। तो प्रिंसिपल किधर गया, उसकी पैरों की आवाज तो आ रही है, इधर से आ रहा है वो, देखते हैं। प्रिंसिपल देख शायद ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल। वैसे तो हमारे पास नहीं हो पाया है। अगर हमें दो लाइफ स्टेप है जो हमारे, अगर हम इसे गवा देते हैं तो हम इस पूरे गेम में ओवर हो जाएंगे, खत्म का हो जाएगा हमारा, और हम बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, ना ही अपने दोस्तों को निकाल पाएंगे, ना ही हम निकल पाएंगे। तो हमें बहुत अच्छे से खेलना होगा। अब अगर हम ये स्टेप नहीं हैं, चलो बच गए, हमारे पास चौक भी नहीं है एक बार जो हम इस चकमा दे सके, थ्रो कर सके इसको। ऐसे हमारे हो गई, जो एक चौक भी खराब हो गई। तो हम ये कौन से में आ गए, क्लासरूम टू, क्या चीज है। अच्छा ये कोई गिनती लिख रही है, इसे हमें पूरा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ होगा। तो हमें ने 2 तो लगा लिया है, अभी हमें 5 और 7 को ढूंढना है। पिकअप हॉल की एंड ओपन हॉल रूम। तो जब हमें की मिल जाएगी ना, तो ये 6th वाला है वो वाला पार करना है, तो हम 5th वाला पढ़ते हैं। फाइंड ऑल नंबर एंड प्लेस इट ऑन बोर्ड। तो हमें बोर्ड पर सभी नंबरों को लगाना है, तो सबसे पहले हमको 5 और 7 नंबर को ढूंढना है। तो ढूंढते हैं किसमें किसमें पाते हैं हमें, तो हमें कौन, ये सभी डोर लॉक है, तो देखते हैं कौन सा रूम खुला हुआ है। ये एक रूम है जो खुला हुआ है, इसी में आए थे शायद तक हम पहले, नहीं दूसरा है क्लास कोई। तो आवाज आ रही है प्रिंसिपल की, ये लाइब्रेरी है, चकमा देने के लिए अच्छी है लाइब्रेरी, इसमें हम प्रिंसिपल को अच्छे से ये प्रिंसिपल यहीं पर है, क्लास में से दिख रहा है प्रिंसिपल, तो हम यहीं दुप चकमा दे के रखते हैं इसे फटाफट से।
बिदास इसको कर जाता है बार बार, क्या खतरनाक है। इसमें से हम चौक प्रिंसिपल को तो उसकी रूम में बंद कर दो, इससे करके बात होती है। और हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आप जा रहे हैं तो एक साल कल शायद हो जाए, करते हैं स्टोर रूम। इसमें हम ग्रैंड चौक ले लेते हैं दो थ्रो करने के लिए। अब देखते हैं प्रिंसिपल कैसे हमारे पीछे पड़ता है। दो चकमा देने के लिए दो चौक है हमारे पास, तो ऊपर की तरफ चलते हैं। जो स्पोर्ट रूम में गए थे हम, उसमें एक नंबर है, इसमें भी एक नंबर है शायद तक, कि डोर लॉक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सभी डोर इसने लॉक कर रखे हैं। वैसे सही बात है कि जब बच्चे क्लासरूम में से चले जाते हैं तो डोर लॉक ही होता है। पीछे आ रहा है, फिर पीछे आ रहा है, शायद तक ऊपर की तरफ जा रहा है ये, प्रिंसिपल वहीं पर है। हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है, तो चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं, अगर होएगा तो एक चौक थ्रो कर लेंगे हम। चलो हमें नंबर भी ढूंढने हैं, हमें कई टास्क पूरे करने हैं अभी। अगर हम ऐसे खेलते रहे तो हम जीत भी सकते हैं। स्पोर्ट रूम, ये स्पोर्ट रूम में ही था शायद तक एक एक नंबर, कौन सा नंबर है, सेवन्थ नंबर है, सेवन्थ नंबर। तो हमें अभी फिफ्थ नंबर चाहिए। और ये कुछ है पिक एट द राइट टाइम, तो मतलब हम इसे अभी उठा नहीं सकते, जब कोई सही समय आएगा तब हम इसे उठाएंगे। फिर आ गए हम, चुपचाप हम निकल जाते हैं, वो बच गए, शुक्र है कि हम बच गए। फिर प्रिंसिपल, यहाँ हमें सेवन्थ नंबर लगाना है। अब हमारा सिर्फ फिफ्थ नंबर रह गया है, जो हमारा फिर ये वाला टास्क पूरा हो जाएगा। तो हमें फिफ्थ नंबर शायद केमिस्ट्री रूम था, उसमें रखा हुआ था ये वाला नंबर। अभी हम केमिस्ट्री रूम में गए थे ना, तो ये नंबर हमने देखा था वहीं पे। तो देखते हैं वो रूम, आ गया। पता कैसे चला देखते कौन सा रूम है। कंप्लीट टास्क, ओ हमें वही वाला वो लेके आना है, बैट लेके आना है शायद तक, बैट लेके आना है हमें उस रूम से। कांच को हमें फोड़ना है, टास्क में लिख रहा था ये, हमारे ध्यान नहीं रहे। में खाओ शायद तक बैट, तो राइट टाइम आ चुका है इस बैट को लेने के लिए। पर ये आ क्यों नहीं रहा है, बैट लिया नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों बैट क्यों नहीं आ रहा है। पिक एट द राइट टाइम, तो राइट टाइम है। एक बार टास्क देखते हैं कौन से टास्क में क्या लिख रहा था। पिकअप बैट एंड ब्रेक केमिस्ट्री क्लास डोर, तो सिक्स नंबर पे लिख रहा है पिकअप होल की एंड ओपन होल रूम। पहले शायद तक हमें कोई की लेनी है, या फिर फाइव पढ़ते हैं हम, फाइंड ऑल नंबर एंड प्लेस कुछ ऐसा लिख रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। एक तो डोर सारे लॉक हैं, ये भी डोर लॉक है, ये कंप्यूटर लैब है। ओ बड़े सारे कंप्यूटर रख रखे हैं वैसे तो इसने क्लासरूम में, अच्छा बना रखा है स्कूल। पर प्रिंसिपल सारे बच्चे तो
भी लेनी होगी। पहले स्टोर रूम में, हम यही पास में है स्पॉट रूम, इसमें हमें कुछ पाता है। ये आ नहीं रहा है, कैसे आएगा ये पता नहीं। पहले और कोई टास्क पूरा करना होगा क्या? अच्छा करके और लेते हैं। वैसे दो ही थ्रो आते हैं, अगर चार पांच थ्रो आ जाए। बस एक लाइफ बची है हमारे पास, अगर हम इसको नहीं पार कर पाए तो हमारा गेम बिल्कुल ओवर हो जाएगा। तो हम फिर से वहीं आ गए हैं, वही टनल। पहली बार में बहुत खेलने की कोशिश करी पर ना खुद बच पाए ना।